हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग y क्या मान लेंगे, y इक्वल टू x का पावर n। ठीक, जब इसको पहला बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मालूम होगा x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। x का पावर n का फॉर्मूला होता है n x n माइनस वन। ठीक, तो चलिए इसको उसी फॉर्मूला के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। n x और एन माइनस वन, जब इसका दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एन माइनस वन और एक्स का पावर एन माइनस टू। जब तीसरा बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, यहाँ से एन माइनस टू यहाँ पर उतर जाएगा और फिर एक्स और एक यहाँ से घट जाएगा, एन माइनस थ्री ये आएगा। ठीक, और जब इसका एंथ टर्म निकालेंगे, एंथ टर्म तो क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू ये कहाँ तक जाएगा, एन, और जब तीसरा वर्ग ये तो क्या हो रहा है, माइनस टू रह रहा है, यानी एन माइनस क्या रहेगा, वन। तभी ना देखिए इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे पहले अभी, और x n माइनस एन, तो यहाँ पर क्या होगा, n n माइनस वन, मान लीजिए कि यहाँ पर एक मिनट हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n और माइनस n और प्लस वन, यहाँ पे एक्स एन एन मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। अब क्या है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, और ये कहाँ तक चल जा रहा है, अब यहाँ देखिए एन एन क्या हो जाएगा, वन, यही हो जाएगा ना, आखिर में क्या बन जाएगा, वन यहाँ पर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिख देंगे एन का फैक्टर, एन का फैक्टर मतलब एन से लेकर, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आप नहीं देख रहे थे सॉरी, एन का फैक्टर। अब वहीं पर जैसे फैक्टर क्या होता है, टेन का फैक्टर मतलब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू टू इंटू वन। ठीक, तो इसी प्रकार इसमें क्या हो रहा है, एन का फैक्टर मतलब एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन माइनस सिक्स एन माइनस सेवन, और ये जाकर वन के पास पहुँच जाएगा। ठीक, उसी प्रकार है। ठीक, तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर रहेगा, ये आपका रफ हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।